अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट स्टूडेंट, फोर ईयर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा टॉपिक चल रहा है। फोर ईयर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन, लेक्चर नंबर 5 है आज। तो लेट करते हैं, हमारे पास देखें फार्मूला है, लेट करते हैं एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, वी नो दैट फोर ईयर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का फोर ईयर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास, ये बाई डेफिनेशन ये हमारे पास है 1/2 pi अंडर रूट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई पावर अयोटा के एक्स एफ ओफ एक्स डी एक्स। ये हमारे पास फार्मूला है फोर ईयर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी फंक्शन एफ ओफ एक्स। यहाँ पे हमने क्या करना है, फोर ईयर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव फंक्शन का। एक अगर फंक्शन है उसके डेरिवेटिव का फोर ईयर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। देखें यहाँ पे हमने क्या करना है, एफ ओफ एक्स की जगह पे यूज़ करना है एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। एफ प्राइम ऑफ एक्स दोनों साइड पे आपने रिप्लेस कर देना है। एफ ऑफ एक्स की जगह यहाँ भी हम रिप्लेस कर रहे हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स, एंड सेम यहाँ भी हमने रिप्लेस किया एफ ऑफ एक्स। ये जो आपके पास इंटेग्रल है, इस इंटेग्रल को हमने सॉल्व करना है। तो नोट करें, ये जो इंटेग्रल है इसमें हमारे पास टू फंक्शंस हैं इन प्रोडक्ट फॉर्म। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर टू फंक्शंस आ जाए प्रोडक्ट फॉर्म में तो उसे आप सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करते हैं। तो आपने इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करनी है। देखें इस फंक्शन को हम सेकंड कह लेते हैं एंड इसको हम फर्स्ट रख लेते हैं। तो कैसे प्रोसीजर हमारे पास क्या होता है, टू फंक्शंस के इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब आप अप्लाई करते हैं तो क्या उसका तरीक़ेकार होता है। देखें ये टू फंक्शंस हैं लेट सपोज, एंड इंटीग्रेशंस हमने लेनी है। तो इसका प्रोसीजर होता है फर्स्ट फंक्शन सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शंस की इंटीग्रेशन ले लेते हैं माइनस इंटीग्रेशन सेम इंटीग्रेटिंग फंक्शन। यहाँ पे जो भी आपके पास रिजल्ट मिलेगा इंटीग्रेटिंग फंक्शन का सेम टू सेम आप रिप्लेस करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। तो ये प्रोसीजर होता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। नोट करें ये सेकेंड है ये फर्स्ट है। कैसे लेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेम, फर्स्ट फंक्शन है ई पावर अयोटा के एक्स, सेम टू सेम आ जाएगा। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स की आपने इंटीग्रेशन लेनी है। एफ प्राइम ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन ले रहे हैं, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। एंड लिमिट हम क्योंकि इसमें लेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस सेम इंटीग्रेटिंग फंक्शन एफ ओफ एक्स क्या आया है, यहाँ पे सेम इंटीग्रेटिंग फंक्शन एफ ओफ एक्स आया, सेम टू सेम रिप्लेस कर देंगे। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ई पावर अयोटा के एक्स का लेना डेरिवेटिव है। तो अब नोट करें ई पावर अयोटा एक्स का डेरीवेटिव क्या होगा, सेम टू सेम आएगा। एंड अगेन आपने इसकी पावर का डेरीवेटिव करना है। हम ले रहे हैं डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप ले रहे हैं, तो इसका अयोटा के एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो आएगा आई के, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगी फॉर्म, देखें। एंड इसमें जब आप लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट आप पुट करेंगे इन्फिनिटी, सिमिलरली लोअर लिमिट इन्फिनिटी करेंगे रिप्लेस, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो फंक्शन आपको दिया जाएगा वो किस फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का फंक्शन होगा कि आप उसमें जब इन्फिनिटी रिप्लेस करेंगे तो आपको रिज़ल्ट ज़ीरो मिलेगा। बोथ केसेज में रिज़ल्ट ज़ीरो मिलेगा हमें, मीन के इन्फिनिटी रिप्लेस करें तब भी ज़ीरो, माइनस इन्फिनिटी रिप्लेस करें तब भी ज़ीरो होगा, ठीक हो गया। तो ये ज़ीरो आ जाएगा। आई के हम बाहर ले लेते हैं, अयोटा के बाहर आ जाएगा सी हमारे पास, ये सेम इसको मल्टीप्लाई करें। अब नोट करें ये कौन सा फंक्शन है, ये हमारे पास क्या है, फोर ईयर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ओ फैक्स है। तो ये आ जाएगा फोर ईयर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ओ फैक्स। तो इंटीग्रेटिंग फंक्शन, ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव अगर आपके पास है फंक्शंस का, तो उसका जो फोर ईयर ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसका ये फार्मूला है। इसी तरह हम निकालेंगे सेकेंड, अगर हमारे पास सपोज दैट टू टाइम डेरिवेटिव है, ठीक है, सेकेंड प्राइम का अगर हम ले रहे हैं फोर ईयर ट्रांसफॉर्म तो वो क्या आएगा, देख लेते हैं। एफ प्राइम ऑफ एक्स की जगह रिप्लेस कर लेते हैं एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, चलें वी नो दैट, ये देखें एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, तो इस साइड पे भी एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा। एंड इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स इसमें यूज़ कर लेना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये फंक्शन जो है ये फर्स्ट है ये सेकेंड है। कैसे यूज़ होता है, फर्स्ट फंक्शन सेम टू सेम,
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, देखिए इसका टू टाइम डेरिवेटिव है, वन टाइम डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, लिमिट इसकी है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस सेम आप यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फंक्शन है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट आपके पास आ जाएगा ये सेम टू सेम। अब देखें इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, सेम हमारे पास कि आप इसमें ये इन्फिनिटी एंड ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी रिप्लेस करते हैं तो क्या मिलता है, ज़ीरो। इसमें जो आपके पास कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। अगेन इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं, बट अभी हम आपने इसका इंटीग्रेशंस जो है वो फाइंड आउट की है, क्या थी इसकी इंटीग्रेशन देखें, तो अगेन इस पर हम यूज़ कर लें तो क्या आ जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। चलें ये आपके पास फंक्शन आ रहा है तो ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास ये इक्वल है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ओफ एक्स होता तो एफ ओफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, बट यहाँ पे हमारे पास है एफ प्राइम ऑफ एक्स तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स। एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने कैलकुलेट किया था फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ प्राइम ऑफ एक्स किसके इक्वल था, ये वैल्यू थी इसकी देखें, ये इसकी जगह पे हमने रिप्लेस किया एफ प्राइम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्राइम ऑफ एक्स, ये सारा ठीक हो गया, इनको मल्टीप्लाई कर लें ये आ जाएगा आपके पास सेकंड डेरिवेटिव का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलरली थर्ड, देखें पावर में इंक्रीमेंट हो रहा है, सिमिलरली थर्ड का ये आ जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम अप टू सो ऑन एंथ टाइम लें, एन टाइम मीन के एनी आपके पास एनी टाइम डेरिवेटिव है कोई भी, टू टाइम थ्री टाइम फोर टाइम, तो ये फार्मूला आपके पास आ चुका है, ठीक हो गया। तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन ये होता है। चलें एक देख लेते हैं, अच्छा ये हम क्यों कर रहे हैं, ये जो डेरिवेटिव फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है यूजिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे सपोज दैट लेट सपोज हमारे पास ये एक एग्जांपल है, इसको हम फार्मूला कंसीडर कर रहे हैं, मीन कि हमारे पास इस तरह की इक्वेशंस होंगी, उन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना होगा। अब इसमें देखें ये जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो y है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का क्या प्रोसीजर होता है, डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का मीनिंग ये होगा कि आप उसमें जो y वेरिएबल है उससे जो जितने भी इसमें डेरिवेटिव हैं इनको रिमूव हमने करना है। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे, देखें ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, बोथ साइड क्या लिया है हमने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपके पास फार्मूला आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ये जो अभी फाइंड आउट किया है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला सेकंड डेरिवेटिव है तो सेकंड पावर आ जाएगी, ये वन टाइम डेरिवेटिव है तो वन आ जाएगा, ठीक हो गया। इसमें से आप एफ ऑफ वाई को कॉमन ले लें, ये आपके पास आ जाएगा, आपको पता है आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है तो इस फॉर्म में आ जाएगा, एफ ऑफ वाई की फॉर्म हमें चाहिए ना, ये आ जाएगा, ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है, इसे जो है दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर लें, इसका आप इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लें, टेकिंग इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड, तो आपके पास y आ जाएगा बिकॉज हमने y ही फाइंड आउट करना था। तो ये आपके पास जब ये तो हमने इन जर्नल लिया है, आपको कोई भी वैल्यू दी जाएगी, फंक्शंस कोई भी दिया होगा ना, यहाँ पे कोई वैल्यू दी होगी यहाँ पे, ठीक हो गया। तो ये फार्मूला आपके पास आ चुका है, ये हमारे पास प्रोसीजर होगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। चलें एक और फार्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं, फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स, फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन, डेरिवेटिव फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन साइन ट्रांसफॉर्मेशन हम फाइंड आउट करना है। वी नो दैट हमारे पास क्या फार्मूला होता है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन का, क्या फार्मूला है देखें, से ये है हमारे पास फार्मूला एंड एफ प्राइम ऑफ एक्स का कर रहे हैं, तो यहाँ एफ प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक हो गया। तो आप सेम उसी तरह इसे आप इंटीग्रेट करेंगे, सपोज दैट ये फर्स्ट फंक्शन है एंड ये सेकंड फंक्शन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ कर लें, कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी, तो ये लिमिट जीरो से इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रल जीरो से इन्फिनिटी सेम इंटीग्रेटिंग फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, देखें साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, यहाँ पे एंगल है एस एक्स तो कॉस एस एक्स आ जाएगा एंड इसके एंगल का अगेन डेरिवेटिव होगा ना, तो वो आपके पास एस एक्स का डेरिवेटिव होगा एस, ठीक हो गया। तो आप इसमें लिमिट यूज़ कर लें ज़ीरो से इन्फिनिटी,
देखिए हाँ, लिमिट आप अपर लिमिट यूज़ करेंगे इन्फिनिटी तो साइन इन्फिनिटी ज़ीरो होता है, इसी तरह ज़ीरो यूज़ करेंगे तो साइन ज़ीरो भी ज़ीरो होता है, तो आपके पास रिजल्ट ओनली ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ से आप माइनस एस को कॉमन ले लें, ज़ीरो से इन्फिनिटी एफ ओफ एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स, चलें इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा। अब आप नोट करें, ये आपके पास ये फार्मूला है, ये देखें ये किसका फार्मूला बन गया है, ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोसाइन फंक्शन, ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोसाइन फंक्शन, तो ये आपके पास आ जाएगा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोसाइन फंक्शन हमारे पास आ जाएगा। तो ये क्या है, ये देखें ये आपके पास रिजल्ट आ चुका है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। इसी तरह फाइंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स हमें दिया गया है, एफ प्राइम ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया गया है, तो उसका आपने फोरियर कोसाइन फाइंड आउट करना है, फोरियर कोसाइन देख लेते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर कोसाइन, क्या डेफिनेशन है देखें, टू ओवर पाई अंडर रूट ज़ीरो से इन्फिनिटी एफ प्राइम ऑफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने एफ प्राइम ऑफ एक्स का फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। सेम आप क्या करेंगे, इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे, तो इसे आप सेकंड कंसीडर कर लें एंड इसको फर्स्ट कंसीडर कर लें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दें तो क्या आ जाएगा देखें आपके पास। ये देखें यूजिंग द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कॉस एस एक्स एफ ओफ एक्स जीरो से इन्फिनिटी माइनस जीरो से इन्फिनिटी एफ ओफ एक्स, ये जो कॉस एक्स है इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, कॉस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन एस एक्स, ये जो आपके पास एंगल है एस एक्स इसका लेंगे डेरिवेटिव, ये देखें क्या आएगा, एस आ जाएगा डी एक्स, तो ये आपके पास आ रहा है। तो इसमें आप रिप्लेस कर दें, पहले इन्फिनिटी कॉस इन्फिनिटी ज़ीरो होता है माइनस, फिर कॉस ज़ीरो आपको पता है वन होता है, तो ये आपके पास आएगा ज़ीरो माइनस एफ ऑफ ज़ीरो प्लस, यहाँ से आप कॉमन ले लें एस, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये फंक्शन आ जाएगा। इस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई किया है, क्या आ जाएगा रिजल्ट, सिंपलीफाई होने के बाद ये आ जाएगा। एंड ये देखें ये किसके इक्वल है, ये आपके पास इक्वल है, ये सारा फार्मूला है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ओफ एक्स, तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ओफ एक्स, ठीक हो गया। तो ये रिजल्ट भी आ चुका है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कह रहे हैं फाइंड फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एफ ऑफ एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, ये जो अभी हमने फाइंड आउट किया है ये एफ ओनली सिंगल प्राइम ऑफ एफ ओफ एक्स का जो आपने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कोसाइन एंड साइन फाइंड आउट किया है, एंड अब डबल का हम फाइंड आउट कर रहे हैं। बाय डेफिनेशन देखें क्या फार्मूला है हमारे पास, साइन का फाइंड आउट कर रहे हैं फर्स्ट, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, ये फार्मूला है, तो आप इस पर भी अप्लाई कर दें, ये सेकंड फंक्शन है ये फर्स्ट है, इस पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हैं। देखें फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स की आपने इंटीग्रेशन लेनी है, आपको पता है इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, तो एक डेरिवेटिव रह जाएगा ओनली, इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, ओनली वन रह जाएगा, तो जीरो से इन्फिनिटी माइनस जीरो से इन्फिनिटी इंटीग्रल सेम इंटीग्रेटिंग फंक्शन आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ ओफ एक्स फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एस कॉज एस एक्स डी एक्स, ठीक हो गया हमारे पास ये डेरिवेटिव आया है। एंड इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसमें लिमिट रिप्लेस कर दें, देखें दोनों केसेस में इन्फिनिटी रिप्लेस करें या ज़ीरो, दोनों केसेस में ये ज़ीरो रिजल्ट मिलेगा, माइनस एस जीरो से इन्फिनिटी एफ प्राइम ऑफ एक्स कॉज एफ ओफ एक्स डी एक्स, अगेन आप इस पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, देखें इसको आप सेकेंड फंक्शन रख लें एंड इसको फर्स्ट, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अगेन इस पर अप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, देखें ये हमारे पास आ जाएगा इस फॉर्म में माइनस टू ओवर पाई अंडर रूट एस, ये देखें ये आपके पास, यानी कि फर्स्ट फंक्शन सेम, जो एफ प्राइम ऑफ एक्स है उसकी इंटीग्रेशन ली है वो आ जाएगा एफ ओफ एक्स, लिमिट है इसकी ज़ीरो से इन्फिनिटी माइनस ज़ीरो से इंटीग्रल ज़ीरो से इन्फिनिटी सेम इंटीग्रेटिंग फंक्शन एफ ओफ एक्स, डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डेरीवेटिव लिया है, ठीक हो गया डी ऑफ एक्स, इसे सिंप्लीफाई कर लें, देखें इसमें आप लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी पे तो ज़ीरो होगा बट ज़ीरो पे कॉस वन होता है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा।
ये आपके पास आ गया, ठीक हो गया। इसको मल्टीप्लाई किया, सिंपलीफाई, एंड ये क्या है, साइन फंक्शंस का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन है एफ ओफ एक्स का, ठीक हो गया। तो ये कॉस साइन जो है, साइन फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन आया है एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स का। सिमिलरली हम कैलकुलेट कर रहे हैं कोसाइन, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स का। बाय डेफिनेशन ही होती है, देखें ये डेफिनेशन है हमारे पास एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स का फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, ये फार्मूला है। तो इस पे भी आप क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इस फंक्शन को आप सेकंड कह लें एंड इसे फर्स्ट कह लें, तो क्या प्रोसीजर होता है हमारे पास, ये सेम टू सेम फर्स्ट वैसे आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन ले लें, ये आ जाएगा ज़ीरो से इन्फिनिटी माइनस ज़ीरो से इन्फिनिटी एफ प्राइम ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स, कॉस का डेरिवेटिव लेंगे, ये आ जाएगा। इसे सिंपलीफाई कर लें, इन्फिनिटी आप रिप्लेस करेंगे, कॉस इन्फिनिटी ज़ीरो होता है, कॉस ज़ीरो वन होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा। देखें प्लस एस ज़ीरो से इन्फिनिटी एफ प्राइम ऑफ एक्स साइन फाइव ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, ये हमारे पास आ रहे हैं। सेम टू सेम अगेन इसे इंटीग्रेशन, आप इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगा लें, इस फंक्शन को सेकंड कह लें, इसे फर्स्ट कह लें, तो देखें ये आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ज़ीरो से इन्फिनिटी माइनस ज़ीरो से इन्फिनिटी एफ ओफ एक्स डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक हो गया। एंड इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये देखें, फिर ये जो एस है इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास फॉर्म आ जाएगी, ठीक हो गया। तो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते तो क्या आ जाएगा, ये सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आ जाएगा माइनस टू ओवर पाई अंडर रूट का एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो माइनस एस स्क्वेयर टू ओवर पाई अंडर रूट ज़ीरो से इन्फिनिटी एफ ओफ एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स। तो आपके पास कोई भी जो फंक्शन है, ये रिजल्ट आ गया, कोई भी जो फंक्शन है जिसका सेकंड डेरिवेटिव आपके पास दिया गया हो, तो उसका जो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है, ये फार्मूला हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। तो ये आज का लेक्चर था।